अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन को मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि वो फंक्शन जिसमें टू और मोर देन टू वेरिएबल डिपेंड अपॉन द थर्ड वेरिएबल इज सेड टू बी पैरामेट्रिक फंक्शन। द थर्ड वेरिएबल इज आल्सो नोन एज पैरामीटर ऑफ दैट फंक्शन। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में अब हमारे पास ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें एक्स और वाई जो होंगे ये किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होंगे, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह मालूम करेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शन है और वो पैरामेट्रिक फंक्शन है तो उसकी पहली डेरिवेटिव जो होगी वो हमारे पास बाय यूजिंग चेन रूल होगी, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होगी उसके लिए हम ये यूज करेंगे चेन रूल, डी वाई बाई डी टी इंटू ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें मसला नहीं है। हाँ, जब मैं सेकेंड डेरिवेटिव मालूम करूंगा यानी डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर सेकेंड डेरिवेटिव, तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज मैं इस तरह मालूम करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ इस डी वाई बाई डी एक्स की डेराइवेटिव, अगेन डी वाई बाई डी एक्स की डेराइवेटिव। अब मसला ये होगा हमारे पास कि ये फंक्शन जो है ये डेराइवेटिव फर्स्ट डेराइवेटिव ये हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन की डेराइवेटिव है, तो ये हमारे पास दूसरे वेरिएबल में होगा, टी वेरिएबल में होगा, हमारे पास जेड वेरिएबल में होगा, यू वेरिएबल में होगा, लेकिन ये फंक्शन जो हमारा है ये एक्स वेरिएबल में नहीं होगा, तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस तरह डिफरेंशिएट करूंगा। प्रॉब्लम यहां पे है, यानी डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन जो होगा ये हमारा ये एक्स और वाई में नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन ये किसी थर्ड वेरिएबल में होगा, तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस तरह डिफरेंशिएट करूंगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम चल वल करते हैं, यानी मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स को, और इसको जाहिर करने के लिए मैं इधर लिखूंगा डी टी बाई डी एक्स। जरा देखो इन दोनों को छुपाओ, ये देखो ये, तो हमारे पास क्या गया डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स वही आता है कि नहीं आता, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन में जब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसकी ये पोजीशन लेंगे, यानी डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं थर्ड डेरिवेटिव यानी डी क्यूब ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू लिबनीज ये हमारे पास क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास इस फंक्शन का क्या होगा डेराइवेटिव होगा यानी डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू लिबनीज। देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब यहां पे मसला फिर ये अराइज हो रहा है कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये तो एक्स वेरिएबल में नहीं होगा, ये हमारे पास किस वेरिएबल में होगा टी में होगा या किसी और वेरिएबल में होगा, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पैरामेट्रिक में हम ये करते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ यानी इसका हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर और इन टू हमारे पास क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। देखो ये डी टी और ये डी टी अगर इसको हम खत्म करें तो फिर यही टर्म बनता है एंड सो ऑन। आई थिंक थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, ये सारी बातें मैं उस एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर करके बताता हूं कि ये हम किस तरह इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास यहां पे पैरामेट्रिक फंक्शन पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन पॉइंट हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.3.1.7 फाइंड द सेकेंड डेराइवेटिव सेकेंड डेराइवेटिव कौन सा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर फॉर द फॉलोइंग फंक्शन
फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, और हमारे पास उसने जो फंक्शन दिया है वो पैरामेट्रिक है, यानी उसने दिया है कि x of t दिस इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 + t² x इक्वल टू 1 + t² एंड y इज इक्वल टू, y जो है ये बराबर है t³ + 2t² और +1 अब देखो x और y जो है बोथ आर डिपेंडेंट ऑन थर्ड वेरिएबल, और थर्ड वेरिएबल कौन है t, सो x एंड y दिस आर पैरामेट्रिक एंड t इज द पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन, हमारे पास t इन फंक्शंस के क्या है पैरामीटर्स हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने इसकी डबल डेरिवेटिव मालूम करनी है, सॉल्यूशन में x जो है ये 1 + t² के बराबर है, अब देखो x डिपेंड्स अपॉन थर्ड वेरिएबल t, सो वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा d/dt of 1 + t², यानी हमारे पास आ गया d/dx of t, दिस इज इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी और t स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी वो 2t हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अगेन हमारे पास क्या है, सेंस y इज इक्वल टू, y किस चीज के बराबर है t³ + 2t² एंड +1, y जो है ये t³ + 2t² + 1 के बराबर है, y depends upon the third variable t, so differentiate both sides with respect to t, तो इसको भी मैं with respect to t differentiate कर रहा हूं dy/dt, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा d/dt of ये t³ + 2t² + 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया dy/dt, ये t³ की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी ये 3t² हो जाएगी, 2t² की डेरिवेटिव 4t हो जाएगी और 1 की डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ गया सेकंड रिजल्ट। हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले dy/dx चाहिए क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² फाइंड आउट करना है, अब इस दोनों में dy/dx नहीं है, ये dx/dt है और ये dy/dt है, तो मैंने क्या करना है यूजिंग चेन रूल वी हैव dy/dx दिस इज इक्वल टू dy/dt into dt/dx हो जाएगा, चेन रूल को मैंने यूज किया है। अब देखो dy/dt की वैल्यू क्या है 3t² + 4t, ये किसकी वैल्यू है ये dy/dt, इधर देखो dt/dx है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, वो हमारे पास dx/dt है, यानी इसका ये रेसिप्रोकल है dx/dt है, उधर dt/dx है, तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/2t हो जाएगा, यानी इस dt/dx की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2t हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया इनमें से t कॉमन है तो ये आ गया 3t + 4 + 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2t, ये t और t कैंसिल, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 3t + 4 / 2, हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई, देखो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो किस चीज के बराबर है dy/dx दिस इज इक्वल टू 1/2 × 3t + 4 + 4, अब यहां पे चेक कर लो, अब यहां पे मैं जब सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे जो टॉपिक में अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की थी वो यहां पे क्लियर हो जाएगी। अब इधर देखो, मैंने ये कहा था कि हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy/dx ये x वेरिएबल में नहीं होगी बल्कि हमारे पास ये किसी थर्ड वेरिएबल में होगी, जिस तरह हमारे पास इसमें थर्ड वेरिएबल t है,
तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये टी वेरिएबल में है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको दोबारा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल टी है, तो इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास लिग्नीज नोटेशन के मुताबिक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो डी बाई डी एक्स हाफ, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी इंटू डी डी टू वाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ये डी वाई बाई डी एक्स, ये जो आपको नजर आ रहा है इसका जो रिजल्ट है वो तो टी वेरिएबल में है। देखो ना डी वाई बाई डी एक्स ये किस में है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है और ये किस में है, ये टी वेरिएबल में है, तो इसको मैं एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं कर सकता क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये टी वेरिएबल में है, तो इसको टी से ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसे डिफरेंशिएट करेंगे टी से, मैं इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं, देखो डी बाई डी टी ऑफ ये यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, देखो डी टी टी कैंसिल करो, वही टर्म आता है कि नहीं आता, यही टर्म आता है कि नहीं आता, आता है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्योंकि ये भी हमारे पास किस में है, dy by dx किस में है, ये भी t वेरिएबल में है, तो मैंने आप पैरामेट्रिक इक्वेशन की जो डिफरेंशिएशन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव है उसके लिए मैंने तरतीब बना लिया है, यानी d by dt of dy by dx, यानी इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं लिखूंगा dt by dx। इस तरह तीसरे डेरिवेटिव में भी मैं यही लिखूंगा, चौथे में भी लिखूंगा, पांचवें में भी लिखूंगा एंड सो ऑन। आई थिंक आप थोड़ा कुछ समझ आया होगा। देखो हमारे पास क्या हो गया डी बाई डी टी ऑफ, अब इस डी वाई बाई डी एक्स की कीमत क्या है, वो है 1/2 यानी 3t + 4 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये हम इसी तरह लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास ये 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 3t की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी और 4 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/2 इंटू, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, देखो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास 2t है तो डी टी बाई डी एक्स यानी इसके जो रेसिप्रोकल होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे पास 1/2t के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1/2t, तो ये हमारे पास आ गया 3/4t, यानी हमने पैरामेट्रिक फंक्शन जो है इसकी डेरिवेटिव मालूम कर ली, सेकेंड डेरिवेटिव यानी सेकेंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है पैरामेट्रिक का, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4t, डी 3/4t ये हमारे पास है सेकेंड डेरिवेटिव। अब अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव लेना चाहूं तो थर्ड डेरिवेटिव में मैं इस तरह करूंगा, देखो डी क्यूब ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, अब इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ में। लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखो इसमें वेरिएबल कौन है, टी है, तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं तरतीब बनाते हैं, यानी डी बाई डी टी ऑफ डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, आप देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आप इसकी मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर सकता हूं। इस तरह हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव के लिए भी है, फिफ्थ डेरिवेटिव के लिए भी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन इज 3/4t, 3/4t, तो ये था पैरामेट्रिक फंक्शन और इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल।
अब मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। अब मैं इसको डिस्कस करूंगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, वो कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव, फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव, फाइंड द इंडिकेटेड इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव हायर डेराइवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास इसमें बी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और इंडिकेटेड डेरिवेटिव है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इंडिकेटेड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। इसमें दूसरा पार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और इंडिकेटेड डेरिवेटिव है y डबल प्राइम, इंडिकेटर क्या है y डबल प्राइम। और हमारे पास इसमें है y इज इक्वल टू x प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और इंडिकेटेड डेरिवेटिव है y डबल प्राइम, इंडिकेटेड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है y डबल प्राइम है। यानी हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में कि फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, यानी उसने फंक्शंस भी दिए हैं और हमने क्या करना है, हमने इसकी इंडिकेटेड डेरिवेटिव, इंडिकेटेड मीन कि जिसके सामने जो मेंशन है, यानी इस पार्ट के सामने डबल डेरिवेटिव मेंशन है तो हमने दो दफा, इसके सामने भी डबल डेरिवेटिव है और इसके सामने भी, यानी हमने हर एक फंक्शन को दो दो दफा डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन, यानी ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसी को मान माइनस वन हो जाएगी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करो डिफरेंशिएट करो। तो मैं इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगी। इधर देखो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स हो जाएगा प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की डेरिवेटिव वन हो जाएगी और ये माइनस वन सामने आ जाएगा, माइनस वन सामने आ जाएगा और इससे एक कम हो जाएगा यानी माइनस टू हो जाएगा, और हमारे पास एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास वन होगी। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने फिर दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है एफ डबल डैश, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू वन के डेरिवेटिव जीरो, ये माइनस टू सामने आ जाएगा तो ये प्लस टू हो जाएगा और इसी पदमा से एक कम करो तो माइनस तीन हो जाएगा, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इसको इतना नेगेटिव है, ये नीचे आके टू बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, टू बाई एक्स
क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंडिकेटिव डेराइवेटिव है, हायर ऑर्डर डेराइवेटिव है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सेकेंड पार्ट को लेना है। हमारे पास से y इज इक्वल टू डिफॉल्ट है y इज इक्वल टू x प्लस वन डिवाइड बाय x माइनस वन। डिफरेंशिएट को साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कोशेंट रूल है, तो ये y प्राइम हो जाएगा। कोशेंट रूल के मुताबिक x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वन, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन माइनस x प्लस वन, इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन, यानी y प्राइम जो है ये बराबर हो जाएगा x माइनस वन और इसकी डेरिवेटिव वन आ जाएगी। ये आ जाएगा x प्लस वन और इसकी डेरिवेटिव वन आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y प्राइम जो है वो हमारे पास आ गया, दिस इक्वल टू ये x माइनस वन, ये माइनस इंटू प्लस, ये माइनस एक्स और माइनस इंटू प्लस, ये माइनस वन डिवाइड बाय, ये हो गया x माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये x और ये x कैंसिल, यानी y प्राइम जो है ये माइनस टू डिवाइड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर। हमारे पास y प्राइम आ गया माइनस टू इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो इसी पर तुम्हारा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी x माइनस वन, x माइनस वन होल की पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को अब मैंने फिर डिफरेंशिएट करना है, तो इधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस टू पांच टेन है, और इधर भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी x माइनस वन होल की पावर माइनस टू। दोनों साइडों को मैंने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y डबल प्राइम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, माइनस टू सामने आ जाएगा, तो ये प्लस फोर हो जाएगा, ये x माइनस वन, माइनस टू से एक कम करो तीन, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया y डबल डेरिवेटिव, यानी हमारे पास y डबल प्राइम, इसकी इक्वल नेगेटिव है, ये नीचे आ जाएगा x माइनस वन, ये होल क्यूब हो जाएगा, और x की डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 की डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 से 1, 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास